एक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार। हमारा दिया हुआ है 13, कर्ण 13 हो जाएगा, आधार 12 हो जाएगा। तो हम इसे हम लंब निकाल लेंगे, तो लंब निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लगाते हैं आगे, कर्ण हमारा दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, तो आधार 12 है, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 12 का स्क्वायर 144। इसको घटाएंगे तो रूट 25 आएगा, 25 5 का वर्ग होता है, तो ये हमारा लंब निकल गया। लंब तो यहाँ पे लंब आ गया, यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है 13, आधार 12। तो आगे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो लंब वो भी 5 निकाल के आए हैं, 5 हो जाएगा लंब, सॉरी रूट 5 नहीं, 5 बटा में कर्ण, कर्ण हमारा हो जाएगा 13। ये हो गया साइन थीटा का। दूसरा निकालेंगे कॉस का। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा आधार हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 और कर्ण, कर्ण हमारा दिया हुआ था 13, तो 12/13। आगे हम निकालेंगे 3 नंबर टैन थीटा का। टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब 5 सेंटीमीटर निकाले थे, लंब 5 हो जाएगा, आधार हमारा दिया हुआ था कितना 12 सेंटीमीटर, 5/12। आगे निकालते हैं कोसेक का। कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण हमारा है 13 सेंटीमीटर 13 और लंब हम निकाले थे 5, 13/5 ये हमारा लंब हो गया। आगे 5 नंबर में कोट का निकालते हैं। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब, आधार हमारा 12 था, लंब 5 निकाले थे, ये हमारा हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक का दिया हुआ था सेक थीटा बराबर 13/12, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस तरह हमने क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व किया। ये थे हमारे प्रश्न संख्या 5 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात।